हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। घर की रेसिपी। घर की रेसिपी में आज बहुत ही चटपटी आलू की सब्जी बनाई हूँ। वैसे तो आलू सभी की फेवरेट होती है, लेकिन एक ही टाइप की आलू की सब्जी खा के हम बोर हो जाते हैं। और अभी गर्मियों का मौसम है, कोई भी सब्जी खाने में अच्छा नहीं लगता है। कोई भी सब्जी की टेस्ट बहुत अच्छी नहीं आती है, इसलिए मैं आलू की कुछ अलग टाइप से सब्जी बनाई है, जो कि आपको नॉनवेज जैसा दिख रहा है और खाने में भी टेस्ट वैसा लगेगा। लेकिन ये वेज है, बहुत ही ऐसी टेस्टी सब्जी है। तो मैं इसे कैसे बनाई और इसमें क्या क्या डाली, चलिए आपको दिखा दी हूँ। वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। मैं एक कढ़ाई चढ़ाई, उसमें मैं सरसों का तेल खाने के तेल यूज करती हूँ। मैं इसमें यूज डालूंगी 50 ग्राम लगभग। मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म हो गया, हम इसमें जीरा डालेंगे, गोटा जीरा। और ये हो गया हमारा तेज पत्ता, ये अच्छे से पका लेंगे। इसमें ये पक चुका है, इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज, ये हो गया लहसुन, मेथी जैसे पिछले में पेस्ट नहीं थी, प्याज लहसुन ऐसे जैसे गली वाली लहसुन। और 2 से 3 आलू मैं इस तरह से कट करके रखेंगे, इसमें डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है। हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, हो गया हल्दी पाउडर, टेस्ट के अनुसार नमक, स्वादानुसार नमक मैनेज कर दी। सबको अच्छे से मिक्स करना है और ढक के मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पका। अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे रख के पकाना है 4-5 मिनट। बीच बीच में एक दो रख चला लें, मीडियम फ्लेम पे रखें, नहीं ताकि आलू और प्याज अच्छे से घुल जाएगा आपका, पक जाएगा, नहीं तो जल जाएगा, पकेगा नहीं। हाई फ्लेम पे गैस को ना रखें। तक वो फ्राई हो रहा है, पक रहा है आलू प्याज, तब तक हम इस मसाले को पीस लेंगे। सिर्फ इसमें जीरा, गोटा जीरा है। हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सर जार में अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह देखना है कि प्याज इसमें अच्छे से घुला है कि नहीं, तो थोड़ा सा घुलाना है प्याज को, लो फ्लेम पे रखी गैस को अच्छे से पकाना है, ताकि ये अच्छे से घुल जाएगा, इसमें दानेदार प्याज नहीं दिखेगा। इसमें दिख रहा है अच्छे से प्याज घुल गया है, आप देख सकते हैं इस तरह प्याज घुल गया है। हम इसमें अब ऐड करेंगे पिसा हुआ मसाला, जो मेरा जीरा पाउडर, जीरा का पेस्ट बना हुआ है, गोटा जीरा का जो मैं पेस्ट पीस के तैयार की हूँ, इसमें डाल देना है, अच्छे से मिक्स करना है, फिर फ्राई करना। रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, अभी गर्मी का मौसम है तो सभी तीखा थोड़ा खाना पसंद करते हैं। प्याज अपने टेस्ट के अनुसार डालें, आप कितना पसंद करते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसे फ्राई करना है, ताकि मसाला कच्चा नहीं रहे। इस तरह से इसमें मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है मसाला का, और थोड़ा थोड़ा तेल भी निकल रहा है, जिससे पता चलता है कि मसाला फ्राई हो गया है, कच्चापन नहीं, और खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब इसमें थोड़ा सा ग्रेवी पानी डालेंगे, ग्रेवी अच्छे से मिक्स करना है और ढक के मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसे उबाल आने तक पकाना है। बन के तैयार। इसमें मैं घी जीरे का तड़का लगाया, इस तरह से देख सकते हैं, घी और जीरा से मैं तड़का लगा दी हूँ। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है, सब्जी रेडी है। ये आलू की सब्जी बन के रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है, देख सकते हैं। वैसे आलू तो सभी की फेवरेट होती है, लेकिन इस तरह से सब्जी मैं बनाई तो बहुत ही टेस्टी बनी। इतनी सब्जी काफ़ी है आपको खाने के लिए, ज़्यादा नहीं लगेगी। थोड़ी थोड़ी सब्जी मिक्स करके आप खाना पसंद करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ज़्यादा सब्जी भी नहीं खत्म होगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।